सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक और पेपर के बारे में, जो कि है इंग्लिश सेमेस्टर 4 बीए प्रोग्राम। एंड दिस पेपर कोड इज 6203440 1। एंड इसमें मैं आपको बताने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, पेपर का फॉर्मेट एंड कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है विद इन द टाइम लिमिट। पेपर का नाम है लिटरेरी क्रॉस करंट्स सिलेक्शंस फ्रॉम लिविंग लिटरेचर। सो ये आपके पेपर का नाम है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं किस टाइप से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आपको पेपर में मतलब सबसे इजी लगे वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना। आप जैसे कि अकॉर्डिंग टू मी, आई एम जस्ट सेइंग अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज कि ताकि आपके हिसाब से अगर आपको जो आसान लगता है वो कर सकते पहले। अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो अगर आपका पेपर इस टाइप से आता है तो फर्स्ट ट्राई कि जितने भी पेपर में मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि इन टू ऑटम व्हाट आर द सिंबॉलिक एसोसिएशन दैट कीट्स मतलब जॉन कीट्स establishes with autumn and human life. So autumn season में इसकी बात की गई है मेनली। एंड उसके अलावा आप ये वाला एक आंसर मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जो कि डायरेक्ट है एक टाइप से। उसके अलावा आप बात कर सकते हो, आई थिंक ये डायरेक्ट है फिफ्थ वाला, एंड सिक्स तो बहुत डायरेक्ट है, डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटी इन लिटरेचर विद रेफरेंस टू एनी टेक्स्ट इन योर सिलेबस। एनी टेक्स्ट बोला है तो कोई भी टेक्स्ट ले लेना जिसमें किसका रिप्रेजेंटेशन हो चाहिए सिटी इन लिटरेचर। सो ये एक आपके लिए अच्छा रहेगा। देन आप जा सकते हो इसके ऊपर भी जा सकते हो फिफ्थ के लिए। सो लास्ट क्वेश्चंस पहले पढ़े करो बिकॉज वो ज़्यादा इजी होते हैं, बिकॉज ये पेपर का फॉर्मेट ऐसे बना होता है कि लास्ट क्वेश्चंस ज़्यादा इजी होते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग क्वेश्चंस। देन इज कमेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर इन रोमांटिक पोइट्री विद रेफरेंस टू एनी पोएम इन योर सिलेबस। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन जो है इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, हाउ डज बेनेरिस अनमैरिड मदरहुड threaten the traditional ideas of marriage and motherhood held by other characters in silence. The court is in session. So, ये थोड़ा सा difficult question हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ पहले जो paper मतलब जो question easy हो उन्हें attempt करो। अपने paper में देखो time limit कितनी दी गई है एंड कितना time दिया गया for attempting per question। Then ये question जरूर पढ़ो। ये जो होता है यहाँ पे लिखा attempt any 3 question, तो 3 question लिखा तो 5-6 मतलब 4-5-6 ये attempt कर लेना, बहुत easy है। बट अगर आपको कोई और क्वेश्चंस आते हैं वैसे भी तो देख लेना, जो क्वेश्चन आपको इजी लगे वो ही अटेम्प्ट करो। एंड जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी लगे वो पहले, देन सेकंड इजी वाला सेकंड पे, एंड देन थोड़ा सा हार्ड वाला थर्ड पे, ऐसे कर लेना। एंड टाइम लिमिट को अच्छे से मान के चलना क्योंकि टाइम ये नहीं है आपको ज्यादा मिलेगा, एंड कई बार तो सोल के बच्चों को कम ही टाइम मिल जाता है और ज्यादा नहीं मिल पाता। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। इस बार के एग्जाम्स थोड़े टफ है तो तैयारी अच्छे से लेके चलो अपनी। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। एंड यस, आप मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।